इंडिया टीम अभी साउथ अफ्रीका टूर पर गई हुई है, जिसमें 3 ODI, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी, और वह सीरीज पूरी तरह खत्म हो चुका है। और ये सीरीज का आखिरी मुकाबला टेस्ट सीरीज था, और टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला टेस्ट मैच था, और टेस्ट मैचों में इंडिया की टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। और टेस्ट क्रिकेट जगत में सबसे कम गेंद में खत्म होने वाली यह दूसरा टेस्ट मैच है, जो इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जो मात्र 642 गेंदों में यह खत्म हो गया, जो वर्ल्ड क्रिकेट जगत में यह पहला टेस्ट मैच था जो सबसे कम गेंदों में खत्म हो गया। और इससे पहले सबसे कम गेंदों में खत्म होने वाली टेस्ट मैच है, जो 1942 में ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मेलबर्न में खेला गया था, वह टेस्ट मैच मात्र 656 गेंदों में खत्म हो गया। जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था वह मात्र 642 गेंदों में खत्म हो गया। यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में सबसे कम गेंदों में खत्म होने वाली मैचों में यह टेस्ट मैच जुड़ गया है, जो इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जो दूसरा मुकाबला हुआ था वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। वही दूसरा मुकाबला मात्र 2 दिनों में ही खत्म हो गया, यानी 2 दिन भी पूरी तरह खेल ना हो सका। दूसरे दिन के दूसरे सेशन में ही मुकाबले खत्म हो चुके हैं, और इंडिया की टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। और इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर गई हुई है, जिसमें 3 T20, 3 ODI और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी। वहीं T20 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया था, वहीं ODI के लिए कप्तान लोकेश राहुल को बनाया गया था, और टेस्ट मैचों की कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में दी गई थी। और T20, ODI और टेस्ट मैचों में तीनों फॉर्मेट में इंडिया के अलग अलग टीम की घोषणा कर दी गई थी, और तीनों में अलग अलग टीम खेले थे। ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार और श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में चुना गया था। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि वह वनडे में चोटिल हो गए थे, इसलिए वह टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। और T20 सीरीज में इंडिया की टीम ने 1-1 से वह सीरीज खत्म की। वह T20 का पहला मुकाबला 10 दिसंबर को खेला गया था, लेकिन वह मुकाबला बारिश के कारण वह रद्द हो गया, और दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने GLS मैथड के तहत वह मुकाबला 5 विकेट से जीता था। वही उस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच तबरेज़ शम्सी रहे थे, जिन्होंने 1 विकेट चटकाए, और वो विकेट भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चटकाए थे। जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तूफानी पारी खेल रहे थे, जब वह 56 के स्कोर पर थे, उस समय तबरेज़ शम्सी ने सूर्य कुमार यादव को आउट कराकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। और तीसरा T20 मुकाबला 14 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें इंडिया की टीम ने 160 रनों से जीत दर्ज की। वहीं उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव रहे, और उस मैच में सूर्य कुमार यादव ने शतकीय पारी खेली थी। सूर्य कुमार यादव ने 100 रनों की शतकीय पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। और T20 मुकाबले में इंडिया ने 1 मैच जीता, 1 साउथ अफ्रीका ने जीता, और 1 मैच रद्द हो गया। इस कारण से वह सीरीज 1-1 बराबरी पर खत्म हुई। और T20 मैचों की सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव चुने गए, जिन्होंने सबसे ज्यादा 156 रन बनाए थे। उसके बाद ODI सीरीज हुआ, जो ODI सीरीज में इंडिया के कप्तान लोकेश राहुल थे, और लोकेश राहुल ने ODI सीरीज में 2-1 से अपना कब्जा किया और सीरीज को अपने नाम किया। वहीं पहला ODI 17 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें इंडिया की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। और पहले ODI के प्लेयर ऑफ द मैच अक्षदीप सिंह है, जिन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। वहीं दूसरा मुकाबला 19 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, और उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज टोनी जर्जी रहे थे। उन्होंने 119 रनों की शतकीय पारी खेली थी। वहीं तीसरा मुकाबला 21 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें इंडिया की टीम ने 78 रन से जीत दर्ज की, और उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन रहे, जिन्होंने 108 रनों की शतकीय पारी खेली गई थी। और तीसरे ODI खत्म होने के साथ इंडिया की टीम ने ODI मैचों में 2 मैच जीते, वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने 1 मैच जीते, और इंडिया की टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। और ODI सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्षदीप सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 विकेट चटकाए थे। उसके बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई, जिसमें पहला मुकाबला 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच खेला गया था, और वह मुकाबला मात्र 3 दिनों में ही खत्म हो गया था, और उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने 1 पारी और 32 रनों से जीत दर्ज की। और उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच डीन एल्गर है, जिन्होंने 185 रनों की पारी खेली। वो अपने दोहरे शतक से चूक गए, अगर वह दोहरे शतक बना लेते तो वह वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि डीन एल्गर इस सीरीज के बाद संन्यास ले चुके हैं। और दूसरा टेस्ट मुकाबला जो 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच हुआ था, और वह मुकाबला मात्र 2 दिनों में ही खत्म हो गया, और उस मुकाबले में इंडिया की टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज। और दूसरे टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज है, जिन्होंने
साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 6 विकेट चटकाए थे। साउथ अफ्रीका टीम को मात्र 55 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था और टेस्ट सीरीज के प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह और डीन एलगर रहे थे। और जसप्रीत बुमराह ने दोनों टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 12 विकेट चटकाए थे, वहीं डीन एलगर ने दोनों टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 201 रन बनाए थे। टेस्ट सीरीज के बाद डीन एलगर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट जगत से वह संन्यास ले चुके हैं।